आज गुरुवार को गुना स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 की लिफ्ट यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दी गई है। सुनील आचार्य ने बताया कि पहली लिफ्ट राज्य रेल मंत्री अर्चना जरदोश जी के गुना आगमन मार्च 2022 में प्रारंभ की गई थी। दूसरे प्लेटफॉर्म की लिफ्ट पूरे 18 माह इंतजार करने के बाद चालू की गई है। सुनील आचार्य ने बताया कि लिफ्ट रेल यात्रियों की सुविधा के लिए इसे लिफ्ट निर्देशों का पालन करते हुए प्रयोग करें। बुजुर्गों, बीमार, विकलांग और सीनियर सिटीजन को पहले जाने दें। सुनील आचार्य ने भी रेल यात्रियों के साथ लिफ्ट में जाते हुए उनसे वार्तालाप की। सुनील आचार्य, चलिए मैं आऊँ क्या? हाँ, कैसा लग रहा है सर आपको लिफ्ट में? अच्छा लग रहा है साहब। गुना स्टेशन पे काफी दिनों से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की, 1 की तो चालू हो गई थी, 2 की चालू नहीं हुई थी, अब ये आज से चालू हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम जैसे बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन होगा, इसका लाभ मिलने लगेगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या, और हमारे जैसे और जो सीनियर सिटीजन है वो भी इसका अच्छा लाभ उठाएंगे। ना करें, अच्छी बात है कि भाई जैसे आरम्भ हो गई। अभी दोनों लिफ्ट चालू हो गई है, दोनों प्लेटफॉर्म की बॉगी डिस्प्ले का कार्य चालू है, वो भी कुछ दिनों बाद होगा। क्या सुनना है आपका? ओके, चालू हो रही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ सवारी जा रही है और सवारियों से भी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। सर, ये आज प्लेटफॉर्म नंबर गुना की 2 लिफ्ट चालू हुई, कैसा लग रहा है आपके लिए? अब क्या परेशानी है, सो आपका निजात मिलेगा? निजात भी निजात है, कुछ एजेड लोग होते हैं उनके लिए समस्या रहती है, किसी के पास भारी सामान है उसको ले जाने में प्रॉब्लम होती है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा अच्छा, तो काफी अच्छा अच्छा है। अब दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 की भी लिफ्ट चालू हुई है और 2 की भी चालू हुई, अभी नहीं थी, आज से लिफ्ट चालू हुई और आज आप पहले यात्री हैं जो नंबर 2 पर आप जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि आज ही चालू हो पाई है ये लिफ्ट को। काफी दिनों से लग रहा था कि लिफ्ट चालू हो रहा है, लेकिन चालू नहीं हुई। हाँ, चालू नहीं हो पाई थी, तो आज ही हमारे हैं तो ये हमें बताएंगे कि कौन सी लिफ्ट से स्विच से क्या क्या होगा, कैसे क्या है, तो आप बताएंगे सर कैसा क्या होता है? सर, इससे दावेंगे तो ग्राउंड फ्लोर जाएंगे और एक दावेंगे तो वापस ऊपर आएंगे और ये अलार्म हैगा, जैसे कि आप बच जाते हो तो सीधा ऑफिस में आपका अलार्म बच जाएगा और ये है इंटरकॉम का, जैसे कि टेलीफोन होता है, आप फंस गए, घबराते हो, कुछ भी होता है ना, तो इस बटन को दबाओ तो आवाज हटी जाएगी और बोतल से बोलेंगे आपको आवाज आएगी इससे, और ये दरवाजे खोलने के लिए, ये दरवाजे खोलने के लिए, ये दरवाजे बंद करने के लिए। ठीक है, आइए, ये 2 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम लोग आ गए हैं और जैसा कि हमारे मैकेनिक ने बताया कि यहाँ लिफ्ट में स्विच जो दिए गए हैं, स्विचों के किस हिसाब से हमें लिफ्ट का प्रयोग करना है, किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से ऊपर नीचे होना है, अलार्म कैसे बजेगा, तो ये सारी जानकारी लिफ्ट के द्वारा हमें आज मिली है और बहुत बहुत रेलवे प्रशासन का आभार। जो गुना स्टेशन पे काफ़ी दिनों से मशक्कत चल रही थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये लिफ्ट नहीं लग पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, अब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादा लगेज के साथ चलते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाने के लिए लिफ्ट आज तैयार है, आज से शुरू हो गई है और सभी लोग इसका अच्छी तरह से उपयोग करें और मैं आशा करता हूं कि हम सभी लोग दोनों लिफ्टों का अच्छी तरह से प्रयोग करेंगे जिससे रेल प्रशासन के हित में कार्य हो और बुजुर्गों को और हमारे लिए रेल यात्रियों को आगे जाके सुविधाएँ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, ये रहा एक, जिसकी दबा दिया जाए ऊपर जाएगी, ठीक है, ये है अलार्म वाला, ठीक है, जो अपने ऑफिस में जाता है, और ये है अभी इंटरकॉम का, जैसे फोन रहता ना उसका, जैसे कि वहां से बोलेंगे तो आप घबराओगे तो आवाज आएगी, और ये है दरवाजा खोलने के लिए, और ये है दरवाजा बंद करने के लिए, ये है लाइट के लिए, और ये है फैन के लिए, जैसे कॉलर लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे लिफ्ट मैनेजर ने हमें ये समझाया कि कौन से स्विच से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम इसका यूज करें और ये स्विच को यूज करें जिससे हमें आगे किसी प्रकार की परेशानी न हो। धन्यवाद।